नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा टॉक पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने भी ग्रुप डी का फॉर्म फिल किया होगा और ग्रुप डी के जो फॉर्म फिल किया होगा अगर आपने तो आप भी एग्ज़ाम डेट को लेकर काफ़ी उत्साहित होंगे। तो दोस्तों हमने रखा है 27 सितंबर सोमवार सुबह 10 बजे मेगा ट्विटर कैंपेन। जी हाँ दोस्तों, मेगा ट्विटर कैंपेन रखा है सोमवार सुबह 10 बजे। आप लोगों को इसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर आप लोगों को ट्वीट करना है। और ट्वीट के लिए दोस्तों जो हैशटैग यूज़ किया जाएगा वो है #railway_groupd_exam_date। जी हाँ दोस्तों, यह वाला हैशटैग यूज़ किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर आप सभी को ट्वीट करना है ताकि आप लोगों के प्रयास से ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम डेट है वो जल्द से जल्द जारी हो सके। तो सारे काम छोड़कर आप लोगों को सिर्फ सोमवार सुबह 10 बजे सिर्फ ट्वीट करना है दोस्तों। तो अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है आंसर के आने के बाद पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए बात करेंगे कि कितनी क्या कट ऑफ रह सकती है। काफ़ी स्टूडेंटों का मैसेज आता है दोस्तों कि सर आप लोग सभी का कैटेगरी का जो वीडियो बनाते हो लेकिन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए कोई वीडियो नहीं बनाता, इसलिए पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए आज हम वीडियो लेकर आए हैं। 3 जोन के बारे में आज डिस्कस करेंगे हम। आरआरबी कोलकाता के बारे में डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले कि यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए कितनी क्या कट ऑफ रह सकती है। दोस्तों अगर हम बात करें पीडब्ल्यूडी कट ऑफ के बारे में तो ओएच कैटेगरी के लिए, जी हाँ दोस्तों अगर हम ओएच कैटेगरी में बात करें तो 46 रो मार्क्स आपके बन सकते हैं कट ऑफ के लिए। अगर आपके 46 रो मार्क्स आते हैं और अगर आप ओएच कैटेगरी के अंदर आते हो तो आसानी से आपका जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं वीएच कैटेगरी के अंदर, तो वीएच कैटेगरी के अंदर 43 रो मार्क्स, एचएच कैटेगरी के अंदर 40 रो मार्क्स, जबकि एमडी कैटेगरी के अंदर 38 रो मार्क्स। अगर आपके इतने रो मार्क्स बनते हैं अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर तो आसानी से आप लोगों का जो आरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट है वो क्वालिफाई हो जाएगा। सीबीटी 2 की तैयारी आप लोगों को तैयारी शुरू करना चाहिए। दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट जोन के बारे में, आरबी चंडीगढ़। आरबी चंडीगढ़ के अंदर जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनकी क्या कट ऑफ रह सकती है। दोस्तों अगर हम बात करें वीएच कैटेगरी के अंदर तो 43 रो मार्क्स, एमडी कैटेगरी के अंदर 36 रो मार्क्स, ओएच कैटेगरी के अंदर 44 रो मार्क्स, जबकि एचएच कैटेगरी के अंदर 38 रो मार्क्स। अगर आपके इतने रो मार्क्स बनते हैं एनटीपीसी सीवीटी फर्स्ट के अंदर तो आसानी से आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों को रेगुलर मिलती रहे। दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जोन के बारे में जो कि है आरआरबी मुंबई। आरआरबी मुंबई से पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए क्या कट ऑफ रह सकती है एनटीपीसी सीवीटी फर्स्ट की। दोस्तों अगर हम बात करें तो वीएच कैटेगरी के लिए तो 33 रो मार्क्स वीएच कैटेगरी के लिए, एमडी कैटेगरी के लिए 34 रो मार्क्स, ओएच कैटेगरी के लिए 42 रो मार्क्स, जबकि एचएच कैटेगरी के लिए 36 रो मार्क्स। अगर आपके इतने रो मार्क्स बनते हैं एनटीपीसी सीवीटी फर्स्ट के अंदर तो आसानी से आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो आसानी से क्वालिफाई हो जाए और सीबीटी 2 की जो तैयारी है वो आप भरपूर कर सकें और अपनी पोस्ट को सुनिश्चित कर सकें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ जी हाँ दोस्तों, सोमवार सुबह 10 बजे भूल मत जाना मेगा ट्विटर कैंपिंग के लिए। गुड बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।